नमस्ते फ्रेंड्स, मैंने नाज की लाइफ पर्पस वर्कशॉप 2023 में की थी एंड उस वर्कशॉप से डेफिनेटली जैसे इसका टॉपिक है लाइफ पर्पस, मुझे अपने लाइफ पर्पस के बारे में बहुत कुछ पता चला। एंड नाज की वर्कशॉप जो है लाइफ पर्पस या कोई भी और भी वर्कशॉप हो, उसका एम होता है हमें खुद से कनेक्ट कराना। सो नाज इज़ अ वेरी ट्रू गुरु इन द सेंस कि नाज हमारे अंदर के गुरु को बाहर निकालती है। तो हमारे अंदर का गुरु एक बार जागृत हो जाता है तो जब नाज की वर्कशॉप कंप्लीट हो जाती है, तभी भी वो प्रोसेस जो है ना, वो डिस्कवरी का, वो सेल्फ डिस्कवरी का चलता रहता है। सो नाज में वो पोटेंशियल है बिकॉज शी इज़ अ वेरी प्योर सोल, तो वो हमारे ट्रूएस्ट पोटेंशियल को बाहर निकालती है। एंड उसके लाइफ पर्पस वर्कशॉप में भी उन्होंने यही किया था। उन्होंने अंदर से मुझे अंदर से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। इट्स नॉट लाइक कोई स्पेसिफिक बाहर से जाकर नहीं मिले, मुझे अंदर से पता चल गया और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि जो मुझे पता चल रहा है वो सही है। हालांकि इस चीज़ को पता लगने में और उसको कार्यान्वित करने में, उसको गोल में कन्वर्ट करने में या डेस्टिनेशन तक रीच करने में टाइम लग जाता है, बट वो जो आपको एक प्योरेस्ट फॉर्म में मेरा हाईएस्ट वर्जन का क्या लाइफ पर्पस है, मुझे पता चल गया। एंड इसकी वजह से मुझे आज भी वो कॉन्फिडेंस है, एक साल बाद भी मैं उस लाइफ पर्पस, उस पाथ पे चल रही हूँ। तो नाज जो है कि वर्कशॉप जो थी, उसने मुझे अपने डेस्टिनेशन का एक ग्लिम्स दिया कि किस तरह का मेरा एक डेस्टिनेशन हो सकता है, जो मेरा जो जन्म है वो किस पर्पस के लिए इस धरती पे हुआ है। एंड उस बात पे मैं चली जा रही हूँ एंड वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो दिखता नहीं है, वो दिखता भी है, बट वो डेस्टिनेशन मुझे पता है। तो मैं उस पर्पस पे, उस पाथ पे चली जा रही हूँ धीरे धीरे। एंड आपको नाज की वर्कशॉप ना ज्वाइन करने का तो कोई रीज़न मैं नहीं दे सकती, बट जितनी ज्वाइन करने के यही रीज़न है कि नाज विल कनेक्ट यू टू योर इनर बींग। बहुत ही सिंप्लिसिटी से वो कॉम्प्लेक्स टास्क करती हैं और बहुत ही जोर का झटका धीरे से मारती हैं। सो शी ऑलवेज वर्क्स फॉर मी एंड शी विल वर्क फॉर यू। थैंक यू सो मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, बाय बाय, टाटा।